Good morning, student. In today's video, now we are going to revision of dissolution of partnership firm. Agree? हम revision कर रहे हैं dissolution of partnership firm chapter का. पहले हमने previous videos में इसको theory form में clear कर लिया, लेकिन आज एक revision class अब लेते हैं इसके लिए. सबसे पहले what is the meaning by dissolution of partnership firm? जो मैंने notes में आपको बता रखा है कि according to section 39 of Indian Partnership Act 1932 means dissolution of partnership among all the partners in the firm. Okay? इस condition में जितनी भी हमारी assets होती हैं वो sold out होती हैं, realize करते हैं, और जो हम पैसा realize हो रहा है वो हम utilize करते हैं outside liabilities को payment करने के लिए. ठीक है? Then उसके बाद जो भी realization का profit and loss निकलेगा वो हम all partner को profit sharing ratio के अंदर adjust कर लेंगे. तो आगे वो ये research and even all the assets of the firm are realized or sold and the liabilities are paid. The surplus balance is paid to the partner in settlement of their account and shortfall is met from their private estate. वही है कि excess money है तो उसको दे दीजिए आप dissolution के बाद में. अगर कुछ amount shortfall रह जाता है तो हम partner से उसके private estate से cover करेंगे. And types of dissolution of partnership firm. अब आगे का जो topic है वो थोड़ा theoretical form में important है कि कितने तरीके से पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व. तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक अलग चीज होती है. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कराया एक अलग बात है. कुछ अलग अलग कंडीशन में भी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है. किस किस कंडीशन में हो रहा है डिसोल्यूशन ऑफ टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. नंबर वन डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट. सेक्शन 40 के पार्टनर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने फर्म को जब डिसॉल्व करते हैं तो जनरली हम इसको डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट बोलते हैं. वॉलेंटरी डिसोल्यूशन थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर. जो भी मैंने डिस्कस करा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वॉलेंटरी हमारी इच्छा होकर अपने पार्टनर के फॉर्म को डिसॉल्व कर लिया है. नंबर टू डिसोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट और ए कॉन्ट्रैक्ट. एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एग्रीमेंट बेसिस पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने पार्टनर के फॉर्म को डिसॉल्व कर. बट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज बट एक बात दोबारा से आपको ध्यान देंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बहुत डिफरेंस होता है. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इट इज अ रीकंस्ट्रक्टेड पार्ट. रीकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं. एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, इट इज अ पार्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. बट हम नंबर टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब कि पार्टनरशिप फर्म पूरी तरह वाइंड अप हो गई है, क्लोज हो गई है, आगे किसी भी तरह की बिजनेस एक्टिविटी को ऑपरेट नहीं कर सकती है. ठीक है? तो पहला पॉइंट था डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट सेक्शन 40 म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वॉलंटरी बेसिस पे उन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स में डिसॉल्व कर लिया. नंबर टू कंपल्सरी डिसोल्यूशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिक्लेयर्ड इलीगल. अगर इलीगल बिजनेस वो कर रहे हैं तो कंपलसरी है कि उनको अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा. नंबर टू व्हेन द ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म. एक को छोड़ के बाकी सब पार्टनर बोलते हैं हम तो फर्म से रिटायरमेंट लेंगे. अब एक अकेला पार्टनर अगर रह गया है, एक अकेला इंडिविजुअल पर्सन अगर रह गया है तो वो पार्टनरशिप कैसे करेगा? तो उस कंडीशन में उनको पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है? जो रिमेनिंग पार्टनर है वो नेक्स्ट डे से कोई नया पार्टनर को अपने साथ नए मेंबर को एडमिशन देकर अपने पार्टनरशिप फॉर्म को चला सकता है, लेकिन पुरानी पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करना है. नंबर थ्री व्हेन ऑल द पार्टनर और ऑल एक्सेप्ट वन पार्टनर्स डाई. एक को छोड़ के बाकी सारे जो अपने पार्टनर्स थे वो सभी उनकी सबकी डेथ हो जाती है. तो ऐसी कंडीशन में इंडिविजुअल पर्सन रह जाएगा तो वो पार्टनरशिप को रनिंग नहीं कर सकता. नंबर फोर एंड फाइनल व्हेन द ऑल पार्टनर और ऑल एक्सेप्ट वन पार्टनर आर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट. एक को छोड़कर या सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो रहे तो भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करा जाता है. ये कंपल्सरी डिसोल्यूशन का पॉइंट है. नंबर थ्री डिसोल्यूशन अपॉन कंटिजेंसीज इफ द पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइडेड. सेक्शन 48 के अंदर कुछ कंटिजेंसीज के अंदर अगर पार्टनरशिप फर्म इस चीज को प्रोवाइड करा रही है सेक्शन 42 के अंदर तो हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं. नंबर वन when the firm is constituted for a fixed term on the expiry of that terms. वो ये कि अगर कोई partnership firm किसी specified time duration के लिए बनती है और वो time duration complete हो जाता है तो partnership firm को dissolve करना पड़ेगा.
carry out one or more project venture on the completion thereof. कि मान लो पार्टी की फर्म जॉइंट वेंचर के थ्रू बिजनेस कर रही है, एक या एक से ज्यादा प्रोजेक्ट को अगर ले रही है और वो उस कंडीशन में उनकी पार्टी फर्म खत्म हो रही हो, जैसे वो वेंचर खत्म होगा, अंडरटेकिंग खत्म होगी, अपना वर्क कंप्लीट होगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी. नंबर 3, व्हेन द पार्टनर ऑफ द फर्म डाई, अगर पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स थे वो अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में पार्टी फर्म डिसॉल्व हो जाती है. नंबर 4, व्हेन द पार्टनर ऑफ द फर्म इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, कंटिजेंसीज में भी है और कंपल्सरी रिजोल्यूशन में भी. ऐसा नहीं है कि जो चीज कंपल्सरी रिजोल्यूशन में जो कंडीशन आ चुकी है वो इनमें नहीं आ सकती है, वो मिलती जुलती कंडीशन होती है कि भाई इस कंडीशन में मे बी पार्टी की फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं. नंबर 4, डिसोल्यूशन बाय नोटिस, नोटिस के व्यापक सेक्शन 43 में इसमें बोल दिया, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल द फर्म मे बी डिसॉल्व इफ एनी वन पार्टनर गिव अ नोटिस इन रिटन टू द अदर पार्टनर. अगर पार्टनरशिप एट विल पे चल रही है, उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग चल रही है और उसमें एक प्री नोटिस अगर पार्टनर्स देता है, तो इसमें अपन पार्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी बोल सकते हैं, इसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं. रिटायरमेंट वाली कंडीशन होगी कि पार्टनरशिप चल रही थी, एक पार्टनर ने एडवांस नोटिस दी थी कि मैं नए फाइनेंशियल पार्टनरशिप में नहीं रहूंगा, तो अगर बाकी पार्टनर भी डिसाइड करते कि नहीं हमें भी अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना है, तब तो ये फ्रेम किसका हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का. अदरवाइज बाकी पार्टनर कंटिन्यू अपनी पार्टनरशिप रनिंग कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में इसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 और फाइनल, डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और उस कंडीशन में फर्म डिसॉल्व हो रही है. सेक्शन 44, व्हेन द पार्टनर हैज बिकम मेंटली डिस्टर्ब और हैज अनसाउंड माइंड, मेंटली डिस्टर्ब हो गए पार्टनर्स, एबल नहीं लगता है कि पार्टनरशिप फर्म को रन नहीं कर सकते हैं, तो कोर्ट बाय नोटिस उस फर्म को बंद करवा देती है, क्योंकि उससे बाकी को भी लॉस हो सकता है. ठीक है ना, कि एक तरह डिस्टर्ब पर्सन है, पार्टनरशिप कैसे कर लेंगे, तो कोर्ट बाय नोटिस अगर वो बंद कर दे तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं बंद करेंगे तो बाय नोटिस कोर्ट नोटिस देता है पार्टनर फर्म को डिसॉल्व करने के लिए. नंबर 2, व्हेन अ पार्टनर हैज बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज. ठीक है ना, कि अगर जो पार्टनर है वो इनकैपेबल हो जाता है तो उस कंडीशन में भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो सकती है, उस पार्टनर को आप हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, बाकी पार्टनर भी पार्टनर फर्म को चला सकते हैं. लेकिन कोर्ट से एक ऑर्डर जरूर आएगा कि भाई ये पार्टनर आपका डिसेबल हो गया है, आप इसको रिमूव करके अपनी पार्टनर फर्म को एक नए एग्रीमेंट के थ्रू बना सकते हैं. तो ऐसी कंडीशन में भी इंटरफेयर जो है कोर्ट करता है, पार्टनर फर्म को बंद करवा देता है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, व्हेन अ पार्टनर हैज ट्रांसफर ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी, कि एक पार्टनर जो अपना सारा इंटरेस्ट जो है किसी थर्ड पार्टी में ट्रांसफर करना चाह रहा है, ट्रांसफर कर देता है, तो उसको बकायदा उसका डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कोर्ट के थ्रू, और कोर्ट उसमें एक नोटिस निकाल के उस पार्टनर्स का जो सारे जो राइट्स हैं जो उसकी ड्यूटीज है वो ट्रांसफर करती है थर्ड पर्सन को. नंबर 4, व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द फर्म कैन नॉट बी कैरीड ऑन एक्सेप्टेड लॉस. ठीक है, कई बार कोर्ट को ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप फर्म चल रही है लेकिन कंटिन्यू बेसिस पे लॉस 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 ही हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है, क्योंकि हार्मफुल कंडीशन है, कंटिन्यू लॉस में चल रहा, तो एक तरह से मान लीजिए डेप्ट बढ़ती जा रही है पार्टनर्स की, तो एक कंडीशन ऐसी हो जाएगी वो इतने ज़्यादा उसके डेप्ट हो जाएंगे, दे बिकम इंसॉल्वेंट, इतना ज़्यादा उन पर ये मान लीजिए लाइबिलिटीज बन जाती है कि वो पे नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में कोर्ट उस कंडीशन को राइज होने से पहले उसके बाय नोटिस से फॉर्म उसको बंद कर देती है, नोटिस निकाल देती है एक कि भाई इसके साथ इस फॉर्म के साथ कोई डील नहीं करे, ये तो आपको भी लॉस हो सकता है. नंबर 5 एंड फाइनल, व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म इज जस्ट एंड इक्विटेबल, अगर ऐसा लग रहा है कोर्ट को कि इस पार्टनर को बंद कराने में ही प्रॉफिट है, जस्टिफाइड है या अपने पास में इक्विटेबल है, तो उस कंडीशन में कोर्ट अपने इंटरवेंशन से अपने इस पार्टनर फर्म को डिसॉल्व कर सकती है. तो ये कुछ रीजंस होते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर फर्म जो हमारे 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखती है. टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में आपको एक पर्टिकुलर टाइप रोल देंगे, इस टाइप के अकॉर्डिंग कोई भी 2 रीजन बताइए, 3 रीजन बताइए, तो आप बता सकते हैं. नेक्स्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप. फर्म ने अपनी सारी एसेट्स को रियलाइज करा और
आउटसाइड लाइब्रेरी को पेमेंट करा, लेकिन फर्म के पास जो पैसा आ रहा है एट द टाइम ऑफ रेजोल्यूशन, फर्म उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करेंगे, इसका एक स्टेप होता है जिसको बोलते हैं पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। खैर वो अपने टॉपिक इतना बड़ा नहीं दे रखा है, लेकिन ये होता ही है, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब रेशनल फॉर्म में चलता है। बट अभी हमें केवल इतना ही क्लियर कर रहा है कि फर्म के पास जो एसेट्स रिलाइज करने में जो अमाउंट आ रहा है वो फर्म कैसे यूटिलाइज करेंगे। इसका एक सिंपल बेस हमारे पास में कि अमाउंट रिलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स एंड द अमाउंट ब्रॉट इन बाय द पार्टनर शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग। एसेट बेच के भी पैसा आ रहा है, या मान लो कोई पार्टनर्स कोई अमाउंट ब्रॉट कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लाइबिलिटीज वगैरह के लिए, तो उसको किस तरह से यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40B एंड 49। नंबर वन, सबसे पहला जो पेमेंट है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को होगा। बैंक लोन वगैरह सब सिक्योर्ड होते हैं, मोर्गेज लोन वगैरह होते हैं, पेमेंट टू सिक्योर क्रेडिटर्स दैट मीन थर्ड पार्टीज, बैंक लोन या सिक्योर्ड लोन हमने किसी से ले रखा थर्ड पर्सन से, तो कुछ ना कुछ उसको हमें बेनिफिट, कुछ ना कुछ हमें मोर्गेज रखाना पड़ेगा, तो आप सबसे पहले उनको पेमेंट करेंगे क्योंकि आपको अपनी उस चीज़ को निकालना होगा। तो सबसे पहले जो सिक्योर्ड आउटसाइड लाइबिलिटीज है, सिक्योर्ड जो थर्ड पार्टीज है, सिक्योर्ड जो क्रेडिटर्स होते हैं, उन्हें हमें अमाउंट लेस करने पे सबसे पहले स्टेप उनको पेमेंट करने में यूज करना है। नंबर टू, पेमेंट टू आउटसाइड डेट टू द फर्म रेट रैपिडली। अब उसके बाद में जितने भी अपने आउटसाइड डेट्स हैं उसको अपन रेशनल फॉर्म में मान लीजिए, ठीक है ना, एक रेशनल फॉर्म में, रेशनल फॉर्म के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा जो एक अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। नंबर थ्री, आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट द लोन एडवांस बाय द पार्टनर विल बी पेड ऑफ। अब रेशनल, इसको भी रेशनल फॉर्म में आपको जो पार्टनर है फॉर्म को लोन दे रखा है तो आप उसको भी उनको रेशनल फॉर्म में जो है पेमेंट करते चलेंगे। नंबर फोर, आफ्टर इट द बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी पेड ऑफ। फिर पैसा लग गया तो वही रेशनल फॉर्म में हमें पार्टनर्स का जो कैपिटल वो पेमेंट करना। अब इसके बाद में अगर पैसा बच जाता है तो ये सरप्लस अमाउंट है, वो पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट कर लेंगे। अगर ये अमाउंट कम पड़ रहा है तो कुछ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा फर्म को। तो ये एक स्टेप्स होते हैं जो पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन हम बोलते हैं, जिसके अंदर आपको सेक्शन 40B और 49 के अकॉर्डिंग पेमेंट कैसे कैसे करना, पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, उसके बाद में हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, थर्ड पार्टी जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है अनसिक्योर्ड उनको पेमेंट करेंगे, फिर पार्टनर्स के नॉन अमाउंट को पेमेंट करेंगे, इंटरनल लाइबिलिटीज होती है, उसके बाद कैपिटल बैलेंसेस को, अगर उसके बाद भी अमाउंट को रिमेनिंग रह जाता है तो डीजे सरप्लस अमाउंट पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, अगर कुछ अमाउंट डेफिशिएंसी आती है तो उनको गिवन करनी पड़ती है, ठीक है। तो कहने को तो कहो एक नॉर्मल वे हम कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सिंपल वे से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट का पॉइंट होता है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पूरी तरह बाइंड अप होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम अपने पार्टनर फॉर्म को कंटिन्यू रख सकते हैं आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ दैट, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर फॉर्म में आप अपने ये मान लेना फ्यूचर में आपका कोई भी बिजनेस एक्टिविटी ऑपरेट नहीं करनी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बुक्स मेंटेन रहती है हमारी, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर फॉर्म में बुक्स हमारी जो है वाइंड अप हो गया बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी फ्यूचर में नहीं कर सकते। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की कंडीशन में हमें एसेट एंड लायबिलिटी को रिवैल्यूएट करना पड़ता है, रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, जबकि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन पार्टी हम एसेट्स को रिलाइज करते हैं, लायबिलिटी को पेमेंट करते हैं, जिसको एक पर्टिकुलर अमाउंट में हम शो करते हैं, दैट इज नोन एज रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद में जो डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन एंड रिवॉल्यूशन अकाउंट है वो बेसिकली हमने कर रखा है, ज्यादा नहीं है हमारे पास में, चार मैंने एडजस्टमेंट बताए थे। एट द टाइम अपने रियलाइजेशन अकाउंट तो नेचर दोनों का सेम है, रिलाइजेशन अकाउंट भी नॉमिनल नेचर अकाउंट है, रेवोल्यूशन अकाउंट भी नॉमिनल नेचर अकाउंट है, तो हम नेचर के बेस पे इसको डिफरेंसेस में नहीं ले सकते, उनको सिमिलरिटीज होगी। अगर मैं इसको डिफरेंस के बेस पे लेकर करूँ तो वही एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वी प्रिपेयर रेवोल्यूशन अकाउंट, और एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की कंडीशन में आप बनाएंगे रेवोल्यूशन अकाउंट, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की कंडीशन में आप बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। नंबर टू, ऑब्जेक्ट हम जब लेके चलेंगे तो ऑब्जेक्ट अपने पास रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने का है, एसेट लाइबिलिटी का रिवैल्यूड प्राइस के ऊपर, रीअसेसमेंट लाइबिलिटीज को करने पे, रिवैल्यूड ऑफ एसेट्स को करने पे कितना प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है। जबकि रियलाइजेशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, एसेट्स आपने सोल्ड आउट कर दी, लाइबिलिटीज आपने पे कर दी, अब कितना सरप्लस अमाउंट है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस ही होता है, बट वो एक तरह से
नंबर थ्री कि हम किस अमाउंट को शो करते हैं। म्यूचुअल बॉन्ड में रिवर आपने डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट में आपने बुक वैल्यूज और रियलाइज वैल्यू और पेड वैल्यूज को हमने शो करा है। एक्सपेंसेस वैसे जनरली एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें कोई पर्टिकुलर एक्सपेंसेस नहीं करने होते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टी फर्म हमारे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया इसलिए आपके ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको पहले भी एक फॉर्मेट में बता रखा है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, हम नॉर्मली कंडीशन में एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टी फर्म वी प्रिपेयर थ्री अकाउंट्स। आपको तीन अकाउंट बनाने होते हैं, बैलेंस शीट इसमें बनेगी नहीं। पहला अकाउंट हमने बनाया था रिलाइजेशन अकाउंट, जो मैंने आपको बकायदा फॉर्मेट से बता रखा है, प्रीवियस वीडियोज वगैरह को आप देखेंगे। पहले जितनी भी एसेट्स होंगी कैश इन हैंड कैश इन बैंक को आप नहीं लेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल बैलेंसेस को आप नहीं लेके चलेंगे। पहले जितनी भी हमारी एसेट्स है करंट नेचर है या फिक्स नेचर है सब आपको बुक वैल्यू पर डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। उसका रीजन यही है आप रिलाइज तो बाद में करेंगे, फॉर रिमेंबरिंग इट शुड बी रिकॉर्डेड इन अ डेबिट साइड ऑफ रिलाइजेशन अकाउंट। टू संडे एसेट्स वही इनर कॉलम में जब हम प्रैक्टिस करेंगे और सिस्टमेटिक आ जाएगा, और जितनी भी हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज थी उन्हें हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिटर्स बिल पेबल्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैंक लोन वगैरह जो होंगे सब आपने क्रेडिट साइड में शो कर दिए। उसके बाद में आप आएंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, एसेट्स को आपने रिलाइज करा, जो भी अमाउंट आपको रिलाइज करने पर मिलेगा बाय बैंक का कैश कर लिया हमने, ठीक है ना। आप कितनी आपको एसेट से एक्चुअल में कितना अमाउंट रिलाइज होगा इससे हमें मतलब है, कितना कम मिल रहा है कितना ज़्यादा मिल रहा है ये आपका पॉइंट रिलाइजेशन में नहीं होता है। 50,000 का प्लांट है हमको 40,000 मिल रहा है क्लाइंट की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, तो हम जितना एक्चुअल अमाउंट रिलाइज करने को शो करेंगे बाय बैंक का कैश जो आपने एसेट रिलाइज करिए, लाइबिलिटी जो आप पेमेंट करके चलेंगे वो आपको भी शो करेंगे टू कैश बैंक अकाउंट करके, ओके। अब लाइबिलिटी जो हम पे कर रहे हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज वही इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस, डेबिट साइड में आपने शो कर लिया तो कैश या बैंक। अगर कोई पार्टनर किसी एसेट्स को टेकन कर लेता है तो उसको कुछ सर्टेन अमाउंट फॉर्म को भी करना पड़ेगा, लेकिन हम इसको रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, अब फॉर्म के लिए तो इनकम हो रही है ठीक है कैश में नहीं, तो पार्टनर के सेटलमेंट अमाउंट में एडजस्ट करेंगे तो बाय पार्टनर्स कैश। और कोई लाइबिलिटी अगर पार्टनर पे कर रहा है अपने बिहाफ पे तो उसका पैसा वो फॉर्म से बाद में लेगा, कैपिटल अमाउंट आप इसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने डेबिट साइड में टू पार्टनर्स कैपिटल। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी जो पहले बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, अब आपने रिलाइज करा वही इनकम एंड गेन आर क्रेडिट, रियलाइजेशन में हमें इसको भी क्रेडिट में शो कर लिया बाय कैश। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हम पे कर रहे हैं जो पहले बुक्स में नहीं है, अब आपने पे कर लिया आपने इसको डेबिट में शो कर लिया टू कैश। अब इसके अलावा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टी फर्म कुछ सर्टेन एक्सपेंसेस होते हैं जिसे हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोलते हैं, ये भी आपको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखेंगे, अगर हमने किसी पार्टनर को अपॉइंट कर दिया फॉर ए रियलाइजेशन तो ऐसी कंडीशन में एक सर्टन अमाउंट पार्टनर को पे करना होगा कमीशन का मान लीजिए, तो उसके बिहाफ पे वो कमीशन फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस है तो हम इसको टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो करने के लिए कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में आएगा, लेकिन इस कमीशन के बिहाफ पे सारे एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वो पर्सनली बॉन्ड करेगा मैट करके चलेगा, तो एक्सपेंसेस को हमें इंडिविजुअल अच्छे शो करने की जरूरत नहीं है। फाइनली रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनेटर अकाउंट, अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो इट इज अ रियलाइजेशन लॉस बाय कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स को अपने रेस्पेक्टिव इशू में रिटर्न ऑफ कर लेंगे, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से तो टू कैपिटल अकाउंट ये प्रॉफिट हो गया ये हम लेके चल रहे हैं। तो एक नॉर्मल वे में आपको रिलाइजेशन अकाउंट बनाना है, बट मैंने आपको अभी भी चीज बताई थी पहले प्रीवियस वीडियो में कि फॉर्म चाहे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से डिसॉल्व हो रही हो, चाहे सबसे बड़ा रीजन होता है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, इंसॉल्वेंट की वजह से डिसॉल्व हो रही हो, रियलाइजेशन अकाउंट में सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ठीक है। तो थ्योरी बेसिस हमने चीज क्लियर करी कि आप आगे के वीडियोस में हम इसको प्रैक्टिकली शो करके चलेंगे वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, एक रिविजन बेसिस आज वीडियो था आज का जो रियलाइजेशन अकाउंट के लिए बेस था अपने डिजिटल पार्टनरशिप फॉर्म के बेस पे, ओके थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।